फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया था कि अगर मेरे को ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं तो मैं आप लोग के साथ फिल्म मेकिंग के ट्यूटोरियल शेयर करने वाला हूं। तो ये हम लोग का फर्स्ट ट्यूटोरियल है। मैं यहाँ आप लोग को टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा कि कैसे हम लोग को मोबाइल के जरिए वीडियोज रिकॉर्ड करना चाहिए, कैसे उन लोग को एडिट करना चाहिए। तो मैं आज यहाँ पे मोबाइल के साथ वीडियो कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बताना चाहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले ये वाले सिंबल पे और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ आज आप लोग के साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टिप आप लोग को देना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो, कि मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि जब भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो मोबाइल को हमेशा ऐसा पकड़ते हैं ताकि जब भी आप वीडियो को ऐसा रिकॉर्ड करोगे तो बताना चाहूँगा कि उसके अंदर साइड में आपका जो वीडियो है, आप मेरा वाला ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे साइड में दोनों साइड से ब्लैक पट्टी आ जाती है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि हमेशा अपने मोबाइल को लैंडस्केप पकड़ें ताकि आपका जो मोबाइल है आपका पूरा वीडियो की पूरी लेंथ आए और एक आप अच्छी फिल्म मेकिंग कर पाए। हमारी नेक्स्ट टिप रहेगी कि जब भी रिकॉर्ड करते हो तो बताना चाहूँगा अपने मोबाइल को हमेशा, मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि जब भी वो लोग वीडियो बनाते हैं तो हमेशा ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि उससे क्या रहता है कि मोबाइल आपका हिलता रहता है और वीडियो में वो बात नहीं आ पाती जो होनी चाहिए। फिर आप देखोगे कि वीडियो हिलता हुआ दिखाई देता है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो जितना हो सके अपने मोबाइल को अपने पास रखें और उसको ट्राइपॉड बना लीजिए ताकि मतलब ऐसा हिलना ना पाए। जितना ज़्यादा ऐसा मतलब स्टेबल रहेगा आपका मोबाइल उतनी ही क्लियर और स्मूथ वीडियो आपकी आएगी। तो हमेशा वीडियो को जितना हो सके अपने पास रखें और जितना हो सके इसे मोबाइल को हिलाए नहीं, स्टेबल रखें उसको। कहूँगा जब भी आप वीडियो बना रहे हो तो कभी भी उसमें अपने वीडियो को जूम मत कीजिए। जब भी आप जूम करते हो तो आपका जो भी वीडियो है उसके पिक्सल्स फट जाते हैं, क्वालिटी है वो वहाँ से लो हो जाती है। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए वीडियो को जूम ना करें। नेक्स्ट टिप रहेगी कि जब भी आप वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो
जब भी आपको स्लाइडिंग शॉट लेना है तो बताना चाहूंगा अपने मोबाइल को जितना हो सके पास रखें और हमेशा मोबाइल को कभी भी मत हिलाइए। जब भी मतलब आपने जब भी देखा रहेगा कि लोग ट्राइपॉड की सहायता से वीडियो स्लाइडिंग शॉट लेते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा कि ट्राइपॉड के अंदर क्या रहता है कि कैमरा और हमारा जो फोन है वो दोनों स्टेबल वहां से कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर जब भी हम लोग स्लाइडिंग करते हैं तो कैमरा और वीडियो कभी भी नहीं हिलते हैं। तो हमें अपने हाथों को ट्राइपॉड बना लेना और अपने ट्राइपॉड की सहायता से मतलब अपने हाथों की सहायता से स्मूथली ऐसे स्लाइड कीजिए ताकि आपको वीडियो बहुत ही अच्छे आ सके। तो दोस्तों नेक्स्ट टिप मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो बना रहे हो तो बताना चाहूँगा अपनी फ्लैश लाइट का कभी भी यूज मत कीजिए। फ्लैश लाइट से जो वीडियो की क्वालिटी है वो कम हो जाती है, और अगर आप किसी डार्क प्लेस में अगर वीडियो शूट कर रहे हैं तो एक टाइम आप देख सकते हो कि वहाँ पे अगर बिल्कुल लाइट ना होगी तो आप एक टाइम कर सकते हो, लेकिन अगर आप आउटडोर रिकॉर्ड कर रहे हो तो कभी भी फ्लैश लाइट का यूज मत कीजिए। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट टिप आप लोग को देना चाहूंगा कि जब भी आप अगर मोबाइल फिल्म मेकिंग कर रहे हो तो बताना चाहूंगा मोबाइल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, तो आप जब भी मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो अपनी बैक कैमरे का यूज कीजिए, क्योंकि उसके मेगापिक्सल ज़्यादा होते हैं तो आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो HD हो जाएगी। तो आप हमेशा अपने बैक कैमरे का यूज कीजिएगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा जब भी आप मोबाइल से फिल्म मेकिंग कर रहे हो तो बताना चाहूंगा हमेशा आउटडोर लाइटिंग का यूज कीजिएगा, सनलाइट का यूज कीजिएगा। अभी जैसे आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आउटडोर में यहाँ पे वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि परफेक्ट लाइटिंग अपने को मिल पाए, क्योंकि मोबाइल में इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो वो इतना ज़्यादा अगर आप डार्क प्लेस में अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। तो हमेशा अगर आपको फिल्म मेकिंग करनी है तो आप आउटडोर में कीजिएगा ताकि आपको एक परफेक्ट रिजल्ट मिल पाए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी टिप्स और पसंद आई रहेगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।